क्या है ये पोस्टर में? ये पोस्टर में इतने लोग मर चुके हैं अभी तक, वो हम लोगों ने कुछ मेन लोगों पे ही पूरा पूरा पोस्टर का ले लो, कुछ बीमार भी है और कुछ मरे हुए। अभी ये नीचे की जिंदा है लेकिन ये इस पोजीशन में है मरे हुए। अरे कुछ नहीं उसके अंदर, आप जाओगे ना 10 रुपए का पुर्ची बनाएगा, बोलेगा 14 दिन 10-15 दिन आप, ठीक है वहाँ पे आप जाओगे ना जैसे आपका डेट मतलब एक ही दवा देता है, नहीं ये डिटेक्ट ही नहीं होता ना, सर दर्द हो पेट दर्द हो कुछ भी हो एक ही दवा दी जाती है। तो ये माहौल में ये जो बीमारी का सिलसिला है कब से चालू? पिछले 1.5 साल से चालू है, जब से हम लोग को यहाँ शिफ्ट किया है 1 महीने जब से पानी पीते थे। कहाँ से कहाँ शिफ्ट किया गया? हर बम्बई के अलग अलग पार्ट से वहाँ पर लोगों को शिफ्ट किया गया। ये विद्यावर की पाइपलाइन देख रहे हो आप, ये पपूरी पाइपलाइन तोड़ के यहाँ से 1200 लोगों को शिफ्ट किया गया। बटवाड़ी से 800 लोगों को शिफ्ट किया गया पूरी पाइपलाइन तोड़ के। अंधेरी से पूरा मरोल से बांद्रा से पवई साकिनाका। टोटल कितने लोग उधर रह रहे हैं अभी? अभी वहाँ पर 5,500 लोग रह रहे हैं, 5,500 परिवार रह रहे हैं, 5,500 परिवार रह रहे हैं, मतलब कम से कम 25,000 20 से 25,000 हाँ 20,000 लोग। और अभी वहाँ पर 17,000 घर है पूरे, उसमें से दो बिल्डिंग पुलिस का है। एक्चुअली पुलिस को ऐसा 10 बिल्डिंग दिया हुआ है, क्यों दिया है पुलिस? लेकिन कोई भी पुलिस वहाँ आने को तैयार नहीं, इसलिए पुलिस ने वहाँ पर गोडाउन बना के रखा है। कोई भी पुलिस वहाँ पर आने के लिए उनको दो दो रूम ऑफर किया फिर भी वो लेने को तैयार नहीं, कोई भी पुलिस वहाँ रहने को आने को तैयार नहीं। तो पुलिस वाले कहाँ रह रहे हैं अभी? पुलिस वाले अपनी अपनी जगह पर रह रहे हैं, कोई उनका रूम लेता ही नहीं है, माहौल माड़ा में कोई रूम लेता ही नहीं। वो लोग ये सीधा बोलते हैं कि हम लोग मरने के लिए वहाँ नहीं, वहाँ पर फेंक दिया है, जहाँ पर 15 फैक्ट्री और 3 रिफाइनरी है। लेकिन आप अपनी मर्जी से लोग वहाँ गए कि जबरदस्ती गए? जबरदस्ती, कोई भी अपनी मर्जी से वहाँ नहीं गया। तो जाने से पहले पता नहीं था ऐसा होगा? जाने से पहले किसी को पता नहीं था कि ऐसा होगा, सिर्फ लोगों को उधर की गंदगी बहुत दिख रही थी, लोग गंदगी से ही मना कर रहे थे कि हमें नहीं जाना है। लेकिन वहाँ जाने के बाद तो पता चला ये पूरा जहरीला एरिया है, 15 फैक्ट्रीज और 3 रिफाइनरी है, जबकि 1 रिफाइनरी नानार में खुलने को शुरू है, तो पूरी शिवसेना उसके खिलाफ है के रिफाइनरी नहीं खोलने देंगे। फिर यहाँ पर 3 रिफाइनरीज और 16 फैक्ट्री के बीच में लोगों को डंप कर दिया, तो वो रोज धीरे धीरे मरे जा रहे हैं। अभी सारे पॉलिटिकल पार्टी को पहले से नहीं पता था कि ऐसा हो रहा है? 2015 की एनजीटी की ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि माहुल केमिकल जोन है, ये रहने के लायक नहीं है, और ये सब लोगों को पता था। बीएमसी तो शिवसेना बीजेपी ही चलाती है, 15 साल से 20 साल से तो शिवसेना चला रही है, उनको पूरी तरह अच्छी तरह पता है कि ये केमिकल जोन है। यहाँ पर शिवसेना के मिनिस्टर अपने पर्यावरण मिनिस्टर रामदास कदम ने अभी तक मुख्यमंत्री को 2 लेटर दिए हैं, जिसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि यहाँ पर लोगों की जानों को खतरा है और आप जल्द से जल्द यहाँ से लोगों को हटाएं और दूसरी और जगह सेफ जगह शिफ्ट करें। वो लेटर की कॉपी हमने यहाँ लगा दी है। ये तो इतने लोगों का जो जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए महाराष्ट्र शासन जिम्मेदार है, महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार है और बीएमसी। और ये आप प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, क्या क्या? ये हमारा जीवन बचाओ आंदोलन है, हम अपने घर छोड़ के वहाँ से आ गए माहौल से, और तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक हमको दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जाता, हम यहीं रहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नंदू शिंदे है। और आप कहाँ से हैं? आपका गांव किधर पड़ता है? सातारा। और बॉम्बे कब आए थे आप? मैं तो बचपन से ही बॉम्बे में हूँ। आपके माता पिता इधर? मेरे माता पिता भी इधर के। और कहाँ रहते थे आप पहले? घाटों पर बटवाड़ी में। वहाँ से और माहौल कब गए? माहौल में 60 नंबर बिल्डिंग में शिफ्ट किया। कब गए? 1.5 साल पहले, मई 2016 को। और परिवार में कौन कौन है अभी? परिवार में मैं हूँ, मेरी बीवी है और 3 बच्चे हैं। किसी को कोई बीमारी कभी हुई? नहीं, एक्चुअली 1.5 सालों में एक्चुअली हमारे मैंने जब देखा कि उधर इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, तो मैं 1 महीना भी वहाँ नहीं रहा, मैं अपनी फैमिली को लेके इधर आ गया और भाड़े से एक रूम लिया, और उधर की रूम को ताला मारा है, उधर हम लोग जाते नहीं है। भाड़े पे नहीं दिया आपने? नहीं। और
जो भी लोग रहने के लिए गए उनकी सारे लोग फैमिली में सारे के सारे बीमार हैं। जिसको जगह नहीं तो क्या, तो आपको तो खुद को उतना तकलीफ नहीं है? हाँ, फिर भी आप इधर आके? हाँ, क्योंकि मुझे मेरा घर चाहिए। मैं भाड़े से कितना दिन रहूँगा? मैं तो एक सिक्योरिटी की नौकरी करता हूँ, मेरी कमाई भी नहीं है कि मैं भाड़ा भरता रहूँ जिंदगी भर। जितना भी है उसमें ही डालूंगा तो मैं अपने बीवी बच्चे को क्या खिलाऊंगा।